हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिर से डीआई का सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे हैं और आज हम लोग दो दो डीआई एक ही साथ देखने जा रहे हैं। एक डीआई का तो आपको मालूम हो गया होगा, थंबनेल में दिख रहा होगा कि हम लोग का दो पाई चार्ट होने वाला है और एक टेबल होने वाला है। देखो, अक्सर ये वीडियो ग्राफ का कॉम्बिनेशन जब आता है ना, जब तीन तीन ग्राफ आते हैं तो लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं डीआई किस चीज पे, मैंने बैंकिंग किस प्रिंस में ना एक चीज बड़ा मतलब अजीब क्या देखा है कि वो लोग डीआई से खास करके बहुत ज्यादा डरते हैं। ठीक है, जबकि डीआई से आसान तो कुछ होता ही नहीं है। जस्ट सिर्फ उसमें क्या सीखना होता है हमें, उसमें सिर्फ सीखना होता है कैलकुलेशन टेक्निक। ठीक है, हर एक सवाल में जो है एक कैलकुलेशन करने का टेक्निक होगा जो हम लोग सीखेंगे, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट, ज्यादा बेनिफिट पाने के लिए आपको शुरू से लेके अंत तक हर एक सवाल को देखना इम्पोर्टेंट है। और कैलकुलेशन का क्या क्या टेक्निक हम लोग यूज करेंगे, इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है ताकि आगे चल के आप किसी भी तरह के डीआई में कैलकुलेशन टेक्निक को यूज कर सके। और कैलकुलेशन टेक्निक एक तरह का भी नहीं होता, या कोई लिमिटेड नहीं होता कि हाँ ये 10 तरह का ही है, 100 तरह का ही है, 1000 तरह का ही है। अनलिमिटेड है, जहां तक तुम्हारा दिमाग एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ग्राफ है ये जगह कुछ ज्यादा ही लेगा, तो इसको मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया हूँ। पहले यहाँ समझते हैं ये दिए हुए क्या है। ठीक है, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 5 स्कूल। 5 स्कूल में टोटल बॉयज का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है और टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितना है, 3000 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 3000। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग देखते हैं द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर को ये दिए हुआ है पाई चार्ट में। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या है, 2000। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट पहुंचे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हमारा पाई चार्ट से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जाके देखो कि उसमें हम लोग स्केलिंग फैक्टर वगैरह को कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद फिर आओ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट उन चीजों को यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक झलक हम लोग देख लेंगे कि क्या स्केलिंग फैक्टर है, लेकिन वहां पे मैंने एकदम बेसिक से बताया हुआ है कि कैसे स्केलिंग फैक्टर है क्या नहीं है, और उसके बाद चीजों को आसान करेंगे। डबल पाई चार्ट में मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना है, अभी इस टेबल को भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे टेबल देख लो, टेबल बता क्या रहा है, टेबल बता रहा है द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को रिप्रेजेंट कर रहा है अमंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 स्कूल। 5 स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या, लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल मिला के। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ इंग्लिश में है, आगे के सारे सवाल हिंदी में है, इसके लिए निश्चिंत रहना, चूंकि ये मैं बोल के समझाई दे रहा हूँ तो इसमें हिंदी में क्या डालू। ठीक है, तो इन चीजों को यहाँ पे समझो और देखते चलो। मैंने क्या बताया था, डबल पाई चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे। ये है हमारा बॉयज का और ये है हमारा गर्ल्स का। ठीक है, अगर 3000 और 2000 का रेशियो देखोगे तो ये 3:2 देगा, और स्केलिंग फैक्टर जो निकल के आएगा या स्केल वैल्यू जो निकल के आएगा वो किससे तुमने काटा, 1000 से। और परसेंटेज स्केल फैक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1000 में 100 से जब डिवाइड दे देंगे तो 1000 में 100 से डिवाइड देने के बाद ये क्या देगा, मुझे 10 देगा। मुझे परसेंटेज स्केल फैक्टर पे काम करना होता है, और परसेंटेज स्केल फैक्टर हमारा निकल के क्या आ गया, 10 निकल गया। ठीक है, अब ये जो दो पाई चार्ट खूबसूरत सा तुम्हें रंग बिरंगा सा दिख रहा है, इसी को मैंने इस टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे यहाँ देख सकते हो तुम, तुम्हें दिख रहा होगा कि यही चीज जो है मैंने यहाँ पे ये टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, बॉयज के लिए देखो 20%, 22%, 14%, 25% और 15% है। सेम यहाँ पे वही चीज था हमारा बॉयज के लिए, 20, 22, 18, 25 और 15। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, 18 है ना, 18, हाँ 18, 25, 15। ठीक है, तो ये जस्ट हमारे जगह की कमी के वजह से हम लोगों ने ये चीज को रखा है, बाकी सारा चीज हमारा सेम है। रेशियो तुम्हें ध्यान में रखना है कि 3:2 हमारा है, और परसेंटेज स्केल वैल्यू जो है, परसेंटेज स्केल फैक्टर जो है वो कितना है हमारा, 10 है। मतलब ओरिजिनल डेटा जब निकालना होगा तो 10 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर, और ये दो चीज तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, सवाल में देखो, पहला सवाल में क्या बोल रखा है, पहला सवाल में बोल रखा है फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो। रेस्पेक्टिव रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, वेजिटेरियन इन स्कूल सी, स्कूल सी में वेजिटेरियन का, एंड द नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन इन स्कूल ई, स्कूल ई में नॉन वेजिटेरियन का। ठीक है, पहले स्कूल सी में टोटल, क्योंकि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पे आना है तो ये चीज तो तय है कि हमें टोटल पे आना होगा। अब देखो बॉयज का टोटल जो है वो टूटेगा हमारा 3 पे। ठीक है,
मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सा कलर सुटेबल है और उसी के अनुसार, और ये कलर यहाँ पे भी सुटेबल है। हाँ ठीक है, चलो ये कलर सुटेबल है। ठीक है, बॉयज हमारा टूटेगा 3 पे और गर्ल्स टूटेगा हमारा 2 पे। ठीक है, तो सी का अगर मैं बात करूं तो सी का देखो तो तुम्हारा कितना है, 18 × 3 करोगे तो 54 हो जाएगा और 25 × 2 करोगे तो 50 हो जाएगा। 50 और 54 करोगे तो कितना हो जाएगा, 104। टोटल स्टूडेंट कितने हैं सी में, वो 104 है हमारे रेशियो वाले वैल्यू पे ही, 104 चूंकि रेशियो निकालना तो ओरिजिनल डेटा पे हम लोग क्या ही मेहनत करें, 104 है। और हमें सी का क्या जानना है, वेजिटेरियन जानना है यानी 7:6 में से बांटना है, यानी कि क्या हो जाएगा 7 और 7 6 कितना हो जाएगा 13। इसी का रेशियो निकालना है, किसके साथ निकालना है, ई के नॉन वेजिटेरियन के साथ। तो 15 × 3 कितना हो जाएगा 45 और 15 × 2 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा 45 और 3 75। अब इसका मुझे क्या चाहिए, नॉन वेजिटेरियन चाहिए, नॉन वेजिटेरियन कितना है 7 है, आउट ऑफ कितना टोटल 7 8 15। बस रेशियो निकाल दो हमारा, यहाँ 15 से काट दो इसे 5 बार में, 13 से काट दो इसे 8 बार में, और यहाँ से ये 7 और 7 को भी कैंसिल आउट कर दो, तुम्हारा आंसर जो आ गया वो आ गया 8:5, खत्म हो गया सर। कोई डेटा निकालने का कहीं से भी कोई जरूरत नहीं, अगर मैंने डेटा निकाला है तो मुझे बताओ, वरना तुम क्या कर रहे होते 3000 का 18%, 2000 का 25%। मैं मान रहा हूँ कि आसान है करना, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो वो टफ, ठीक है, जो मैं बताया हूँ उसके कंपैरिजन में क्या है वो टफ है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, क्या बोल रहा है हमारा सवाल है, फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए सी एंड डी। ए सी डी में एवरेज बताना है स्टूडेंट्स का। ठीक है, फिर से याद रखना ये 3 और 2, ए सी डी बोला ना 20, 18 और 25। ठीक है, 20, 18 और 25 जब करोगे तो जोड़ लो 20, 20, 30, 60 और 3, 63। ठीक है, जोड़ लेंगे 63 हो जाएगा और गुने में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। गुना मत करना एकदम, कभी भी गुना करके बेवकूफी मत करना, ध्यान से देखो, तुम्हें एवरेज निकालना मतलब 3 से भाग देना है तो 3 कट जाएगा। ठीक है, अभी पहले टोटल स्टूडेंट पे आते हैं, 24, 25 और 20, 20, 20, 40, 20, 60 और 9 कितना हो जाएगा 69 और गुने में कितना हो जाएगा 2, 69। और एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे 3 से, क्योंकि 3 स्कूल का ही बात किया है। अब देखो तो तुम यहाँ से 3 से ये 3 खत्म, 3 से ये 2 और 3 खत्म, 23 × 46 और 63, 46 और 63, 6 × 3 कितना 9 और 6 × 4 10, 109 आ गया हमारा यूनिट पे। लेकिन मैंने क्या बताया था, रेशियो हमारा 3:2 है और परसेंटेज स्केल वैल्यू जो है, स्केल फैक्टर जो है वो कितना है हमारा 10। ठीक है, तो हमारा जब कभी भी रेशियो या हमारा परसेंटेज निकालना होता है तो इसी रेशियो पे हम लोग सॉल्व करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन जब कभी हमें एग्जैक्ट डेटा निकालना होता है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, स्केल फैक्टर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो और इसी के साथ 1090 हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, तो चीजों को यहाँ पे ध्यान से समझो और उसी तरीके से करके निकलते चले जाओ। ठीक है, गुना अंतिम में जाके करना है, बस इस चीज को ध्यान में रखना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन इन स्कूल बी। ठीक है, स्कूल बी में नॉन वेजिटेरियन की संख्या इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ वेजिटेरियन इन स्कूल बी। नॉन वेजिटेरियन पहले बी में आ जाते हैं, बी में अब हम लोग डायरेक्ट तोड़ेंगे तो 22 दिया कितना हो जाएगा 66 और 16 दुना कितना हो जाएगा 32, ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा हो गया 8 और 6 3 9। ठीक है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन जानना है हमको तो 3 बाई क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे 7 कर देंगे, 7 से ये कट जाएगा 14 बार में, 14 3 यहाँ से हमारा मिल गया 42। ठीक है, ई में वेजिटेरियन निकालो, अभी तुमने थोड़ा देर पहले ही जोड़ रखा था यहाँ पे, ऐसे फिर से जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसमें, 15 × 3 करोगे तो 45, 15 × 2 करोगे तो 30, 45 और 30 कितना हो जाएगा 75। ये बी के लिए था और ये ई के लिए था, और 75 का तुम्हें क्या निकालना है वेजिटेरियन, 8 बटे में क्या लिख दोगे 15 लिख दोगे, 15 से 5 बार में, और यहाँ से ये क्या हो गया 40। अब देखो तुम्हें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ये जो 42 है ये 40 का कितना परसेंट है ये तुम्हें। अच्छा थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाओ, अगर मैं 2 से काटू इसे 20 और 2 से काटू मैं 21, तो अब तुम्हें दिख रहा है क्या कि यहाँ से यहाँ जो है 5% की इंक्रीमेंट हुई है। अगर 5% की इंक्रीमेंट हुई है तो टोटल वैल्यू कितना परसेंट हो जाएगा 105%। या तुम डायरेक्ट अगर 20 ले आए हो तो इसे इसी से ना तुलना करना है, तो जिससे तुलना करना है होता है वो अगर 100 में बदल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे 100 में बदल दो, इसे भी 5 से गुना कर दो, इसे भी 5 से गुना कर दो, ये ऑलरेडी 105 देगा, 100 का कितना परसेंट है 105, तो 105% हो गया खत्म।
कैलकुलेशन बहुत तरह का है, ठीक है, बस उन चीजों को करना आना होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी तीन पर्टिकुलर ग्राफ दे दे तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, कितना मतलब 2 पैसा का भी सवाल नहीं है, ठीक है। या मैं अगर जोक बोलूं तो शायद काफी लोग समझ जाएंगे, मैं इस सवाल को बेचने के लिए जाऊं तो 200 रुपए भी नहीं मिलेंगे, तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन इन विच ऑफ द स्कूल, कौन से स्कूल में जो है मैक्सिमम था नॉन वेजिटेरियन की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं मेहनत करना है, ठीक है। 20 दिया यहाँ पे, ये टूटेगा 3 पे या ये टूटेगा 2, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 20 दिया 60 और 24 होना कितना 48, तो ये दे दिया हमें यहाँ पे 108, ठीक है। 22 दिया 66 और 16 दूना कितना 32, ठीक है। तो 6 2 8 और 3 98 दे दिया ये, ठीक है। 18 दिया 54 और 25 दूना 50, ठीक है। तो ये दे दिया हमारा यहाँ पे 104 और 25 दुने का 25 दिया 75 और 25 दुना 50, तो 75 और 50 जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो सॉरी 20 दुना 40, सॉरी 75 और 40 जब हम लोग करेंगे तो 25 और इधर से 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 115, और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये तुम्हें, अब देखो जब करते चले जाओगे ना तो मुझे ये लगता है कि ये तुम्हें याद हो गया होगा कि ये 75 आया था हमारा पिछला बार, दो दो बार हम लोगों ने निकाला। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, नॉन वेजिटेरियन निकालना है, ठीक है। अब देखो ये 108 जो है, जैसे करने का मन है ऐसे करने का मन है, नॉन वेजिटेरियन के लिए 5/12 तो ऐसे कर दो, 5/12, 12 से कट जाएगा 9, यानी कि ये 45 दे देगा। अगर ऐसे करने का मतलब है कि 7 की वैल्यू हमारी 198, 1 की वैल्यू 14, तो 3 की वैल्यू कितनी 42, तो ऐसे भी कर दो। जैसे करने का मन है तुम्हारा वैसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 से देखो कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, 7 6 13, 13 से 8 बार में कटेगा, 8 6 कितना हो गया 48 हो गया। फिर यहाँ देखो 12 और 11 ये दे देगा 23, 23 से ये कटेगा 5 बार में, 11 5 क्या हो जाएगा 55, अभी तक में हाईएस्ट यही जा रहा है। 8 7 15 और 15 5 75, तो 7 5 कितना 35, हाईएस्ट किस में मिला, डी में मिला, ऑप्शन नंबर डी भी है हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये स्केलिंग फैक्टर बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखो क्या बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वेजिटेरियन इन स्कूल डी, डी में वेजिटेरियन। तो 25 दिए का 75, अभी तुमने तुरंत किया था 75, और जिसमें हम लोग गड़बड़ा रहे थे थोड़ा सा जोड़ने में टाइम लग रहा था, ये आया था 115, ठीक है। ये चीजें तुम्हें थोड़ी सी याद होनी मांगती है, ठीक है, थोड़ी सी डीआई बनाने के क्रम में, ठीक है। नंबर ऑफ वेजिटेरियन इन स्कूल बी, ठीक है, बी में तुम्हें वेजिटेरियन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो तुम्हें बी का भी याद होना चाहिए कि बी में जो है हमारा 98 आया था, ठीक है। अब देख लो डिफरेंस निकालना है, डी का क्या निकालना है वेजिटेरियन, और बी का भी, दोनों का वेजिटेरियन निकालना है, तो 115 का पहले ये निकालना। तुम्हें याद होगा कि ये 115 जो है 5 गुना दे रहा था टोटल 23 का, तो 12 5 कितना हो जाएगा 60 माइनस, ये 98, ये 7 से 98 जब कट रहा था तो ये 14 गुना दे रहा था, तो 14 14 चौक कितना हो जाएगा 56, दोनों का अंतर कितना हो गया। अच्छा ये जो भी डेटा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा किस पे आ रहा है, हमारे अपने निर्धारित किए हुए रेशियो पे आ रहा है। स्केलिंग फैक्टर ओरिजिनल डेटा पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केलिंग फैक्टर से जस्ट क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया हमारा 40 खत्म, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये चीज को समझो कि चाहे जितना भी तरह का इस टाइप का ग्राफ आएगा वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, अभी कहीं जाना नहीं, अभी एक और ग्राफ है, क्योंकि ये थंबनेल छोटा ही होता है तो वहां पे हम एक ही ग्राफ को डाल सकते हैं, एक और ग्राफ को हम लोग देखते हैं और एक और ग्राफ से हम लोग बेहतरीन कैलकुलेशन को करने को सीखेंगे, ठीक है। देखो मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, हर एक वीडियो में तुम्हें कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, और तुम अगर बेनिफिट चाहते हो तो तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक देखना, हर एक चीज कुछ ना कुछ समझा, हर एक वीडियो से मैं कुछ ना कुछ समझा के ही भेजूंगा। अभी लास्ट मैंने SICI का वीडियो अपलोड किया था, उम्मीद करता हूँ तुमने वो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, उससे बढ़िया रामबाण तुम्हें पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिला, कि मैंने शुरू से लेके एक्सेप्शन तक के सवालों को बता दिया कि अब उस पैटर्न पे जितने भी सवाल आएंगे कोई एक तुम्हें फंसा नहीं सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और DI देखो, एक और DI हमारा क्या बोल रहा है सवाल, पहले ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ के बाद फिर हम लोग सवालों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफ में देखो क्या दे रखा है हमारा ग्राफ, समझ लो क्या बोल रहा है हमारा ग्राफ में, रीड द डेटा गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है।
भैया इतना तो मुझे पता है कि ये पढ़ के ही मुझे देना है, ठीक है। तो ये बार बार बता रहा है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, सीखते हैं हम लोग, सीखना तो हमारा काम ही है। लाइन ग्राफ जो है दिए हुए, वो क्या बताता है कि नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाई 5 डिफरेंट स्टोर्स, 5 अलग अलग स्टोर हैं पी क्यू आर एस टी, ऑन 2 डिफरेंट डे, मंडे एंड ट्यूजडे, मंडे और ट्यूजडे को, ठीक है। नोट भी है कुछ, नोट क्या है, ऑल द वैल्यूज आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो लाइन दिया नहीं है, ऐसे कैसा कैलकुलेट करें। तो जस्ट 5 का मल्टीपल है, 20 और 30 के बीच में 5 का मल्टीपल क्या होता है, 25 होता है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 25, ठीक है। बस ये इसके कहने का मतलब ये, और इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि तुम्हें मैं बताऊंगा एक सवाल के माध्यम से, ठीक है। बस सवाल में समझना कि इसका भी एक रोल होता है, हर एक चीज जो दिए होता है, हम लोग कभी नहीं यूज करते उन चीजों, लेकिन हर एक चीज जो दिए हुए होता है उसका एक रोल होता है। अब रोल क्या है वो देखेंगे सवालों में। आगे एक और चीज देख लो क्या है, टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ ब्लैक कलर बाइक्स। टेबल जो है वो क्या चीज को बता रहा है, परसेंटेज ऑफ ब्लैक कलर सोल्ड आउट ऑफ टोटल, टोटल में से ब्लैक कलर जो बिके हैं उनका ये परसेंटेज है मंडे और ट्यूजडे, ठीक है। टोटल कौन से हैं, टोटल कितने कौन कौन से कलर के हैं, यहाँ पे दे रखा है टोटल जो है वो ब्लैक और रेड कलर के हैं, सिर्फ ब्लैक और रेड, मतलब ये लाइन ग्राफ जो है ब्लैक और रेड को बता रहा है, और ये भाई साहब जो टेबल में है ये क्या चीज को बता रहे हैं, ब्लैक को, ठीक है। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम लोग सवालों को, हिंदी में भी है देख लो, जिनको भी इंग्लिश में कठिनाई होती है सारा चीज अवेलेबल है, बस तुम देखते रहो और थोड़ा सा शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, यही दो तीन चीज हमारा सहारा है, दूसरा कोई हमारा नहीं, ठीक है। बस यही ध्यान में रखो कि यही दो तीन चीजों को हम लोगों के लिए मेन प्रायोरिटी है, बाकी हम लोग कंटेंट पे तो अपना 100% देते हैं। कोई भी कंटेंट जो होता है, हर एक कंटेंट जो होता है वो बहुत मेहनत से बनाया जाता है, चाहे वो उसका हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या जो भी चीज हो, ठीक है। चलो ध्यान से समझना ग्राफ को और अप्लाई करना आगे कभी ऐसा सवाल आए तो, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है, पहला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछ रहा है, किसके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, टोटल ब्लैक कलर बाइक सोल्ड बाई पी एंड क्यू टूगेदर ऑन मंडे, मंडे को पी और क्यू के द्वारा टुगेदर जो है गाड़ी जो बेचा गया ब्लैक कलर का, उनका किसके साथ डिफरेंस पूछ रहा है, एंड टोटल रेड कलर बाइक सोल्ड बाई दोस टू स्टोर टुगेदर ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को जो रेड कलर का बाइक बिका था उनका डिफरेंस बताने के लिए, ठीक है, उन्हीं दो स्टोर से, पी क्यू से। तो सबसे पहले पी क्यू से हम लोग ब्लैक कलर का जो है मंडे को वो देखते हैं, ठीक है। पी में अगर देखोगे तो पी यहाँ पे ये है 45, पी यहाँ पे ये है 45, ठीक है। तो ब्लैक कलर टोटल 45 है, तो ब्लैक कलर जो बिका होगा 45 का, ये 60% बिका होगा मंडे को, अभी परसेंट में रहने दो ना, ठीक है। क्यू में आ जाओ, क्यू का देखो, क्यू का अगर तुम देखोगे पी का, एक सेकेंड क्या चीज बोल रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ब्लैक कलर बाइक सोल्ड बाई पी एंड क्यू टुगेदर ऑन मंडे, ब्लैक कलर पी और क्यू के द्वारा मंडे को, क्यू का मंडे, ठीक है, ओके। क्यू का मंडे में आओ, क्यू का मंडे देखो कितना दिख रहा है, ये 25, ठीक है। तो पी और क्यू का मंडे को जो ब्लैक कलर का है 25, और 25 का कितना बिक रहा है, 72%, मैंने लिख दिया 72%। अब तुम्हें बोल रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो कि सर ये तो आसानी से कट जाना है, मैं अभी तुम्हें और निंजा टेक्निक दिखाता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तुम काट लो जितना काटना है, ठीक है, मैं जो दिखा रहा हूँ वो देख लो खाली, ठीक है। माइनस घटाना है, अब किससे किससे घटाना है, टोटल रेड कलर का ट्यूजडे को पी और क्यू के द्वारा ही, ठीक है, पी और क्यू के द्वारा ही टोटल रेड कलर का, ठीक है। अब टोटल रेड कलर देखो पी और क्यू के द्वारा, ट्यूजडे को ये भी ध्यान रखना, दिन भी ध्यान रखना, ट्यूजडे को, तो ट्यूसडे का पी में अगर हम लोग देखेंगे तो ट्यूसडे का पी में कितना है हमारा, यहाँ पे 25 है, तो 25, और अगर ट्यूसडे में 52% ब्लैक बिका है तो 48% क्या बिका होगा हमारा, रेड, ठीक है। क्यू में आ जाते हैं हम लोग, क्यू का अगर हम लोग बात करें तो क्यू में कितना है हमारा, 50, ठीक है, क्यू में है 50, और 46% अगर हमारा ब्लैक बिका है तो 54% जो है वो हमारा क्या बिका होगा। अब देखो यहाँ पे ये कितना आसान हो गया, तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते, ठीक है।
देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये और ये जो है कट गया, कर लो 45 × 6 और 54 × 5, ठीक है, करके देख लो एक बार, 270 270 2700 दोनों तरफ से मिल जाना है, ठीक है। तो अब समझो कि ये कहानी तो खत्म हो गई, अब करने क्या है तुम्हें, इन दोनों को घटाना है, जिसमें 25 कॉमन है, 48 में 72 चला गया, क्या बच गया 24, ठीक है। मतलब 25 गुने में 24 बटे में 100, बस इतना ही करना है, 25 से 4, 4 से 6 बार में, ऑप्शन हो गया डी, खत्म। तुम क्या करते, इसको काटते इसको काटते फिर जोड़ते, इसको काटते इसको काटते फिर जोड़ते, और फिर जाके घटाते, 4 2 6 फंक्शन करते, तब तुम्हारा आंसर आता। मैंने इक्वेशन लिखा सिर्फ, और सीधा देख के काट लिया, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो बस, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें तो कोई छेड़छाड़ करूंगा नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन है, मैं इसी में। अब मान लो अगर नहीं कटने वाला होता तो क्या करता मैं, ठीक है, लेट से अगर नहीं कटने वाला होता तो क्या करता मैं क्या करता, कॉमन लेने के लिए उसे अपने सांचे में ढाल लेता, इसमें से 9 × 5 करता और इसमें से 6 × 10 करता। अब 10 × 5 यहाँ पे 50 कर देता, और 9 6 यहाँ से क्या हो जाता 54, या कुछ भी और आ जाता हमारा, तो मैं उसके साथ उसे पे वहां पे क्या करता, कॉमन लेके घटा देता, और 50 में ही तोड़ता, क्योंकि 50/100 आसानी से 1/2 हो जाता। ये सब कैलकुलेशन स्किल है जो तुम्हें समझना होगा वहां पे, ठीक है। चलो अगले सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, फिर से देखो एक और सवाल। टोटल ब्लैक कलर बाइक सोल्ड बाई स्टोर क्यू ऑन बोथ डेज, दोनों दिन क्यू के द्वारा जो है ब्लैक कलर, तो हम लोग लिखते हैं दोनों के दिन। अगर मंडे को देखें तो मंडे को कितना है हमारा 25 है, और 25 का क्या हो जाएगा हमारा 72, ठीक है, प्लस में। दूसरे दिन अगर हम लोग देखें तो 50 है, और 50 का कितना है 46, तो 50 × में कितना हो जाएगा 46, ठीक है, ये दिए हुए, परसेंट नहीं है, चलो लिख दो ऐसे अगर तुम्हारा मन है तो, मेरा तो मन नहीं रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ परसेंट दिख रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मुझे पता होती है, ठीक है। ये जो क्यू का दोनों दिन का ब्लैक कलर वाला है, इज व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत है, किसका कितना परसेंट है ऑफ रेड कलर बाइक सोल्ड, रेड कलर का जो बाइक सोल्ड है एस के द्वारा और टी के द्वारा ऑन ट्यूजडे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो नीचे होता है हमारा, एस का ट्यूजडे में जाओ, एस का ट्यूजडे में है टोटल 30 और टी का ट्यूजडे में है 50, एस का है 30 और इसका है 50, ठीक है, इसका कितना परसेंट है। एस का तुम देखो कौन सा कलर बोला है, रेड कलर बोला, ठीक है, अगर 40% ब्लैक है तो 60% क्या होगा रेड, ठीक है, और 50 का अगर टी में 36% तुम्हारा क्या है ब्लैक है, तो 64% क्या होगा रेड, और गुने में यही 100 कर दोगे, इसे सॉल्व करो। बोलो सर आपने इतना सारा लिख दिया, बहुत कष्ट है, मतलब टेंशन से मैं सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है, लिखने का तो मैंने लिख दिया लेकिन तुमने देखा नहीं, ठीक है, क्या नहीं देखा, हर एक टर्म जो है गुना वाला, दो दो टर्म में सब में 100 छुपा हुआ है, तो कैसे, यहां 25 और यहां गुने 4 100 होगा, 50 × 2 100, 0 और 0 100, 50 × 2 100, हर जगह से 100 निकालते हैं, 25 चार से ही से काटेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, कितना बार में ये 18 बार में, ठीक है, 50 तो यहाँ खत्म, 2 से काटेंगे 23 बार में, 50 ये खत्म, यहाँ काटेंगे 32 बार में, और ये 0 और ये 0 खत्म खत्म हो गया भैया, ठीक है, यही कहानी खत्म। अभी देखो 6 × 18 और 32, 18 32 50, 50 से 100 दो बार में, ठीक है, ये सब भी कहानी खत्म। 23 और 18 देखो, 23 18 41, 41 × 2, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस लिखने का, और काटना अंतिम में ले जाते, ठीक है, अक्सर यही गलती होती है, और इसी के वजह से जो अटक जाते हो ना, तब फिर बोलते हो इतना कैलकुलेटिव डीआई था, इतना कैलकुलेटिव डीआई था, या देखना चाहोगे तो ना दिखेगा, देखना ही नहीं चाहता है कोई, ठीक है, तो ये चीजों को समझो। चलो अगले सवाल में हम लोग देखते हैं, अभी बहुत चीज दिखाऊंगा, पूरा भंडारा है कैलकुलेशन का। देखो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल रेड कलर बाइक सोल्ड बाई, टोटल रेड कलर का बाइक जो है सोल्ड करा गया है स्टोर आर एस टी के द्वारा, ठीक है, आर एस और टी के द्वारा ऑन मंडे टू
टोटल रेड कलर बाइक सोल्ड बाई यू एंड आर टूगेदर ऑन ट्यूजडे। पहले यहाँ पे तुम देखो, आर एस टी के द्वारा ट्यूजडे मंडे को, फिर क्यू और आर के द्वारा ट्यूजडे को, लेकिन ट्यूजडे को कौन सा कलर? रेड कलर। और मंडे को कौन सा कलर? रेड कलर। रेड कलर दोनों का रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा समझो एक चीज, पहले टोटल लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आर एस टी में मंडे में जाना है, ठीक है। तो आर का मंडे देखो कितना है, 35, ठीक है। एस का देखो 40 और टी का देखो 20, ठीक है। फिर क्यू और आर का टोटल लिख लो ट्यूसडे का। क्यू का अगर तुम देखोगे तो 50 और आर का देखोगे तो 20, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया, ये टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया। मुझे जो जो मल्टीप्लाई करना है ना, मैं उसको लिख रहा हूँ अभी बस, ठीक है। उसी चीज को सिर्फ लिखना हो, उसके अलावा मैं किसी चीज को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आर में मुझे चाहिए रेड कलर, तो 40 था तो यहाँ कितना, 60। एस 55 था तो कितना, 45। और डी के लिए 35 था तो कितना, 65। मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों, उम्मीद करता हूँ मार्कर दिख रहा होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली क्यू और आर में आ जाओ, क्यू और आर का भी रेड कलर चाहिए, तो ट्यूजडे में आते हैं। क्यू और आर में 46 है, तो 46 था तो कितना बचेगा, 54 रेड के लिए, और आर में 75 है तो कितना बचेगा, 25। बस इतना ही ना। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों में ऐड करो, फिर इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड करो। लेकिन एक चीज तुम देखो कि दोनों में कहीं ना कहीं हर एक में, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी, इस में भी, इसमें भी, दोनों का मल्टीपल में 25 तो मुझे मिल जाएगा। काट देते हैं, 25, 25 दुना, ठीक है, 5 से कट गया 13 बार में, और 5 से कट गया 4 बार में, 5 से कट गया 8 बार में, 5 से कट गया 9 बार में, ठीक है। 5 से कट गया 12 बार में, और 5 से कट गया 7 बार में। क्या बच गया, 12 गुने 7 84, 8 नवा 72, और 13 चौक 52। ऐड कर लो, 2 2 4 2 8, और 15 5 20, 208 इधर से, ठीक है। 54 दुने का 104, ठीक है, और यहां से 20, तो 104 और 20 जो तुम जोड़ोगे तो ये देगा 100, सॉरी 20 है ये, 54 दुने का 108, ठीक है, 108, 128, ठीक है, 128, और यहाँ पे कितना हो गया तुम्हारा, 208 हो गया। जैसे काटने का मन है काट दो यहाँ पे, चलो काटने का कोशिश करते हैं हम लोग, किस नंबर से काट लेते हैं यहाँ पे जो हमारा एक बार में कट जाए। 16 से काट लो, 16 से ये 8 बार में, ठीक है, 16 से ये 8 बार में, और 16 से ये 13 बार में, ठीक है, 16 से ये 8 और ये 16 से 13, ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा 13 रेशो 8। जैसे काटने का मन है, मुझे दिख गया 16 16 यहाँ पे, ये तो दिख गया 16 गुने 8, 8 से मैंने यहाँ देखा एक 3 है और यहाँ देखा एक 1 है, इसको पहले सेटिस्फाई किया हो गया अपना, ठीक है। यहाँ के बाद नॉमिनल है, सबको उतना आता होना चाहिए, ठीक है। चीजों को देखो, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने काटा भी नहीं, मैंने जोड़ा भी नहीं। 35 का 60% निकालना तुम्हारे लिए, मतलब अगर ऐसे करके निकाल रहे हो 35 गुने 60 बटे 100, और फिर ऐसे निकाल रहे हो 40 गुने 45 बटे 100, तो सोचो तुम कितना कैलकुलेशन कर रहे हो। इसीलिए कैलकुलेशन रोता है और फिर तुम्हें रुलाता है। उसे थोड़ा प्यार से काटो यार, ठीक है, बस ध्यान में रखो और इसी तरीके से काट, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज और, थोड़ा सा अगर ये कंफ्यूजन है तो एक चीज देखो कि मैं यहाँ थोड़ा और क्लियरिफाई कर दूं कि ये मल्टीपल में है और ऐड, फिर ये मल्टीपल में ये वाला पार्ट मल्टीपल करके ये वाला पार्ट मल्टीपल ये वाला पार्ट ऐड करेंगे, फिर ये मल्टीपल करेंगे, तो दोनों में जो कॉमन आएगा वही चीज मैंने यहाँ पे काटा है, ठीक है। दोनों में मुझे 25 का कॉमन दिख रहा था। अब एक चीज तुम्हें महसूस हो रहा है क्या, ये जो मल्टीपल ऑफ 5 था ये, उसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा मुझे मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लो 25 का मल्टीपल नहीं होता तो एटलीस्ट 5 का तो जाता है। ये वाला पार्ट जो है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके तुम्हें दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट में तुम्हें आसानी होती है। अगर मान लो 25 नहीं कट रहा तो 5 से ये सारे जो है एक बार में कट रहे होते एटलीस्ट, ठीक है। जुगाड़ हर एक सवाल में रहेगा, हर एक सवाल में, बस तुम्हें देखना मालूम होना चाहिए, देखना कैसे है ये अब आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे करते हैं हम लोग, अगला सवाल, एक और सवाल देखते हैं इसी पे।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द, एवरेज का डिफरेंस निकालना है, किन किन चीजों के एवरेज का डिफरेंस निकालना है, एवरेज निकालना है ब्लैक कलर का बाइक सोल्ड किया गया मंडे को, और एवरेज निकालना है किसका, ब्लैक कलर का बाइक सोल्ड किया गया ट्यूजडे को, ठीक है। अच्छा ब्लैक बैक बोल ही रहा है मुझे, तो एवरेज निकालने के लिए एक चीज बताओ मुझे, पांच स्टोर है तो डिवाइड करना होगा मुझे पांच से, करना होगा ना, ये सारा जो है पांच का मल्टीपल में, ठीक है, ये 25 है, अगर मैं इसमें से पांच चुड़ा लूं तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ पांच, ये 45 है, अगर इसमें से मैं पांच चुड़ा लूं, पांच चुड़ाने का मतलब क्या, पांच से मैं डिवाइड दे दूं तो बचेगा क्या हमारा, नाइन, ठीक है। यही तुम्हें यहां पे देखना, तुम अगर ये नहीं देखोगे तो तुम क्या करोगे, 25 × 60 फिर इतना बहुत लेंदी होगा भैया, ठीक है। तो अब यहां से समझो, पहले मंडे वाले को पकड़ते हैं, ये भैया साथ थे 45, तो 45 से 5 डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, कलर थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, हाँ डिवाइड कर दिया तो दिया मुझे 9, यहाँ वाले भाई साहब थे 25 तो यहाँ दिया इन्होंने 5, यहाँ वाले भाई साहब है 35 तो यहाँ दिया इन्होंने 7, यहाँ वाले भाई साहब है 40 तो ये दिया इन्होंने 8, मंडे के लिए ये, ठीक है, और यहाँ वाले भाई साहब है 20 तो ये दिया इन्होंने 4, ठीक है। चलो अब इसको देखो, ट्यूजडे के लिए यहाँ है भाई साहब 25 तो ये दिया इन्होंने 5, ठीक है, यहाँ है भाई साहब 50 तो ये दिया इन्होंने 10, ठीक है, यहाँ है भाई साहब ये 20 तो ये दिया इन्होंने 4, और यहाँ है भाई साहब 30 तो ये दिया इन्होंने 6, और यहाँ है भाई साहब ये 50 तो ये दिया इन्होंने 10, ठीक है। चलो इतना तुमने देख लिया यहाँ पे, अब एक चीज यहाँ से एक चीज समझो कि इसमें भी पांच, इसमें भी पांच, इसमें भी पांच, पांच सारे जगह जो है वो पांच पांच, ये क्या हो गया भाई, ठीक है, इसमें भी पांच है, सिमिलरली इसमें भी, ये मल्टीपल में है सारा इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब में पांच है, ठीक है, इसमें भी पांच, इसमें भी पांच, इसमें भी पांच, इसमें भी, हर जगह से पांच को कॉमन ले लो, ठीक है, हर जगह से पांच को कॉमन ले लो, तो पांच जब कॉमन ले लोगे तो 60 है यहाँ पे, तो पांच कॉमन ले लो तो क्या बच गया, 12, 12 × 9 कितना, 108, और यहाँ पांच कॉमन ले लिया यानी कि 52 बच गया, तो 52 अगर घटा दोगे तो ये यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस में 56, ठीक है, ये पांच कॉमन चला गया 72, और यहाँ से पांच का ये दे दिया 2, तो 46 × 2 कितना, 92, 92 में 72 चला गया तो ये क्या दे दिया तुम्हें, माइनस में 20, ठीक है, यहाँ पांच से ये कट गया 8, 8 × 7 = 56, और पांच से ये कट गया 15 × 15 = 60, ठीक है, तो 56 और 60 का अंतर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -4, 56 में 60, मंडे में ट्यूजडे घटा रहे, ठीक है, साइन ध्यान में रखना, पांच से ये 11 × 8 = 88, और पांच से ये 8, 8 × 6 = 48, तो 88 में 48 घटाएंगे तो ये क्या दे देगा मुझे, 40 दे देगा, ठीक है, पांच से इसे काट दो, पांच से इसे यहाँ पे काट दो, पांच से ये कट जाएगा तुम्हारा, 7 × 7 = 28, और 28 हो गया, और यहाँ पे तुम पांच से काट दो, 2 × 36 = कितना हो गया, 72, 28 में 72 चला गया तो ये तुम्हें क्या दे दिया, -44, बस इतना कर दो यहाँ पे, ध्यान रखना कि यहाँ पे एक बार फिर से तुमने पांच कॉमन लिया है, और एक पांच तुमने यहाँ पे कॉमन लिया, दो पांच तुमने कॉमन लिया है, दो पांच को तुम्हें ला जाके लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है, पहले यहाँ से इसे तोड़ लो, अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो -4 मिल जाएगा, 4 और 4 = 8 और 20 कितना हो जाएगा, -28, 56 में 28 चला जाएगा तो प्लस में कितना बच गया मेरे पास, 28 बच गया, तुमने क्या किया था, दो पांच कॉमन लिए थे, दो पांच लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे अब तुम क्या करो, चूंकि परसेंटेज में है तो नीचे 100 भी लिख दो, और एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दो, बस इतना ही तो करना है ना, 25 से काट दो 4 बार में, 4 से कट जाएगा 7 बार में, 5 × 7 = 5 कितना हो जाएगा, 1.4, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया 1.4, ठीक है। तो ये चीज को यहाँ पे समझो कि जब भी हमारा इस टाइप का सवाल रहेगा वो हम लोग इसी तरीके से करेंगे बिना किसी देरी, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा। इसी तरीके के और सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, और चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जाते जाते, थैंक यू।